छुपाए के आई है, तो हंसुदी को डरे हरी दाना दिखे करके तो कैसे नहीं छुपा के जब गए, क्योंकि दुल्हन गाइस जी पर से मैंने लिया था कंपनी गार्डन से, और अभी के शादी के कपड़े मैंने हल्द्वानी में सिलवाए थे ब्लाउज वगैरह, तो आज तो गाइस जी साड़ी कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताना। हाँ मैं भाई यार खुदा ठीक हो गया। तो गाइस 8000 की साड़ी है ये। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ हंसदी के साथ मार्केट सावन के महीने का शॉपिंग करने के लिए, तो देखते हैं क्या क्या शॉपिंग करते हैं, और हंसदी भी अभी यहीं से तो होगी। तो गाइस अभी मैं बैठ गई हूँ ऑटो में, सॉरी टुक में बैठ गई गाइस। Every day you're far away, these streets don't feel the same. Everywhere is painted with your name. I remember that I was drunk out my mind. यहाँ नई नई ग्रेसी जमा रही है तो एक बेलन ले लिया इसने अपने लिए, अब कढ़ाई ले रही है। गाइस सावन के महीने की शॉपिंग करने के लिए आए हंसा बेबी और मैं, और हंसा बेबी ने यहाँ पे एक सिंदूर का डब्बा ले लिया है रखना, और ये पर्स देखो गाइस कितना प्यारा लग रहा ना। यहाँ पे सारी कॉस्मेटिक चीज़ें हैं, सेल लगी हैं 30 रुपये, 40 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, वहाँ पे 300 वाली, तो देखते हैं क्या पसंद आता है क्या नहीं करके। कॉस्मेटिक चीज़ें तो मेरे पास बहुत नहीं, बट हंसदी को लेना है, और हंसदी अपने लिए क्या पसंद करती है दीदी बोलिए, मैं कुछ पसंद नहीं करूँगी भाई। दे रहे हैं भैया लोग फ्री में वो आगे मिक्स आगे पे पता ना आज पे अच्छी हुई कट्टे से क्या सत्यनाथ काम तो कर दो हम को जो के वो जो जल्द बाहर जाए तो आई स्कूटी में आई एंजी स्कूटी बिल्कुल भी नहीं गाइस जी साड़ी कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताना। पर वे भाई यार बहुत लग रहे पहले से हाँ मैं भाई यार खुदा ठीक हो गया। हेलो तो गाइज 8000 की साड़ी आ रहे हैं रिक्शा में, और हम दोनों इतने पतले पतले ना हंसी दीदी और मैं भी, ये भैया ना ऑटो टुक टुक वाले भैया से भी तेज ले जा रहे हैं हमें, भैया को भी बढ़िया सवारी मिल गई, और तो यहाँ पे मुझे ब्रांड ने स्पॉन्सर कर रखे हैं कुछ प्रोडक्ट है, और मुझे इनका प्रमोशन करना है, और कुछ लोगों को लगता है कि मैं पैसे नहीं कमा रही हूँ करके, बट उन्हें दूसरों की मेहनत नहीं दिखती ना, क्योंकि वो फ्री के खाने वाले होते हैं तो उनको दूसरों की मेहनत कैसे दिखेगी। और मैं हमें देना साड़ी का ब्लाउज, और आप लोगों को बताया आज से पहाड़ियों का काला महीना स्टार्ट हो गया है, जिसमें नया दुल्हन और नई दुल्हन एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, और हिजदा ही पे डीसी में जॉब करते हैं, जॉब क्या करते हैं उनकी खुद की शॉप है, और हंसदी हमारे वहाँ आई है, मतलब अपने मिनी माइके आई है, तो हंसदी को डर है हरिजदा ना दिखे करती तो कैसे नहीं छुपा के जब गए, क्योंकि दूल्हा दुल्हन को एक दूसरे का फेस देखना नहीं होता है। गाइस देखते हैं हंसदी को हरिजदा दिखते हैं या नहीं दिखते हैं हरिजदा को, और अभी हम लोग साड़ी का ब्लाउज देंगे एकदम मस्त वाला ब्लाउज बना के आगे सामने। तो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं स्टेडियम वाली रोड पे, और ऑटो वाले भैया ने आज हमें बहुत नीचे छोड़ा यार, और हंसी को हरिजदा नहीं दिखे, फिर भी हंसी बोले मैं मुंह छुपा के चलूंगी घर के, तो देखते हैं मैं मुंह छुपा के चलती है नहीं। लेकिन आज सावन का पहला महीना भी शुरू हो गया ना, सॉरी सावन का नहीं काला महीना, सावन का महीना तो 22 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, आज 16 तारीख है, तो चलते हैं गाइस। हम लोग जिस दिन साड़ी लेने आए थे ना, उस दिन ऐसा हुआ कि एक अंकल जी खाना ले जा रहे थे, और ऐसे ही रोड पे पन्नी गिरी थी इसी वाले एरिया में, यहाँ से हम लोगों ने हंसी दी के कान के लेना, तो हम लोग रोटी ले रहे, वो रोटी ले जा रहे थे और नीचे पन्नी गिरी थी, पन्नी उठा के उन्होंने उसी में रोटी रखी गंदी पन्नी में, तो मुझे बहुत ज़्यादा दया आई, और मैंने 10 रुपये निकाल के दे दिए, मुझे लगा कि बहुत गरीब होंगे, वो थोड़ा दूर थे, बाद में पता चला कि वो शराबी थे, और शराब की नशे में वो सब रोटी वोटी ऐसे सड़े पन्ने में रखे थे। बाकी ये रहा मैचिंग सेंटर यहाँ का, जिसको नहीं पता है वो इस वाले एरिया में आ सकते हैं। तो गाइस हंसदी को ये साड़ी भी पसंद आ गई, और इसने साड़ी ले ली है, आजकल ये बहुत खर्चीली हो रही है गाइस, और ये साड़ियाँ हम लोगों ने देखी डमी में बहुत अच्छी लग रही है, बट मुझे सामने से उतनी अच्छी नहीं लगी, और बच्चे देखो अपनी माँ को कितने अच्छे से ले जा रहे हैं। तो अब यहाँ से हम लोग मेन कालू साई मंदिर के सामने वाली गली पे निकलेंगे, और यहाँ पे कपड़े अच्छे मिलते हैं,
बट बहुत महंगी। गाइस जी परसे मैंने लिया था कंपनी गार्डन से देहरादून से। का भीड़। और अभी के शादी के कपड़े मैंने हल्द्वानी में सिलवाए थे, ब्लाउज वगैरह, तो आज भी मुझे सिलवा रही है। अरे छोटा बेबी दिख। गाइस इतने अच्छे अच्छे कपड़े आ रखे हैं यार, कपड़े देख के पागल हो जाती हूँ। यहाँ से जाते हैं अंदर को सिलाई वाली शॉप की तरफ, तो बढ़ते हैं आगे। अरे इधर की दुकान में आके कैसे भाग रही है देखो। अरे यार ये बच्ची है, लग गई आगे से, ये देखो ये कैसे भाग रही है यहाँ पे। तो खतरनाक तरीके से भागे ना, क्योंकि हम लोग हरीदा की दुकान वाले रास्ते से आए हैं। हरीदा की दुकान वाले रास्ते से आए और इतने खतरनाक तरीके से भागे ना हंसदी हंसी आके मुझे। हरीदा नहीं वो तो अच्छा होगा, देखा नहीं कहाँ गई, अभी खो गई है। फेस लगा के आ रखी है ये, बड़ा हरीदा ना देखे करके। काले महीने का इतना डर पहाड़ी लड़कियों को ही हो सकता है, इतना डर। गाइज इतना तो मैंने भी नहीं किया जितना इसने कर दिया अरेंज मैरिज में। तो गाइज इसी वाले एरिया में नुमाइश का मेला भी लगा है, बट अफसोस मैं नहीं जा सकती क्योंकि मुझे जाना है अभी जिम। तो मैं बोली हंसा बेबी तू भी चल जिम करके, बट हंसा बेबी कहाँ से आएगी जिम। और दीदी तो हमेशा आप लोगों को किताब वाली दुकानों में दिखेगी। और ये भैया भी आ गया ले। तो गाइज फाइनली हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा अंदर को, और यहाँ पे टिकट काउंटर है और टिकट इस बार में 40 रुपये पर पर्सन हो रहा है। और यहाँ पर फेस टनल बना है तो आप लोग देख सकते हो। तो गाइज हम लोग ना सीधे आगे टिकट काउंटर पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और 40 रुपीज पर पर्सन हो रहा है इस बार। और सैटरडे एंड संडे के दिन 50 रुपये 50 रुपये ले रहे हैं, और फिश टनल में जाने का 100 है। टनल में जाएगा तो इस साल में मैं पक्का जाऊंगी। सो अभी वैसे चले जाती मैं, पर जिम से भी आ गई हूँ और डाइट भी लेना है और बहुत थकान भी लगी है, और पसीने वाले कपड़े में मज़ा भी नहीं आता है। कुछ अच्छा पहन के जाऊंगी मैं अभी चढ़ता घूमता। परसों तो मैं फ्री में गई, आज थोड़े पैसे लग रहे हैं, कोई बात नहीं। तो गाइस यहाँ से हम लोगों ने दूध लगा रखा है 1.5 kg नया खुल रखा है, और बहुत अच्छा दूध देते हैं, तो चलिए दूध लेके घर जाके सेकते हैं। तो गाइस आज फर्स्ट बार बना रहे हम लिंगोड़े की सब्जी, देखिए अच्छे से धो लिया मैंने। तो गाइस 9:40 हो गया है, 9 बजे से मैं काट रही थी, अभी हरी मिर्च प्याज वगैरह काटती हूँ। ये है लिंगोड़े की सब्जी, और 40 मिनट लगी सीरियसली से काट के धोने में मुझे। और ये ना मेरे हाथ देखो, ये यहाँ पे इतना पेन हो गया ना, पूरा चूप जैसा, पता नहीं क्या रहा है इसमें से। और मैं आज के बाद कभी नहीं बनाऊंगी ये सब्जी, भले कितना अच्छा भी हो। और पतिदेव से भी बात कर रही मैं, और ये सब्जी नहीं बनाऊंगी। और हंसी इतनी इज्जत है, हंसी देवी अभी अपने लिए दाल और चावल गरम कर रही है, मैं बना दी फर्स्ट बार। गाइस मैं ना इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्याज हरी मिर्च काट दिया और लाल मिर्च का छौंका। खुद धुआं आने लग गया है, सबसे पहले मैं छौंका लगाऊंगी इसमें जीरे का, थोड़ा अजवाइन भी डाल देती हूँ। और इसमें डाल देती हूँ लाल मिर्च। ब्लास्ट हो गया है गाइज, आवाज़ सुन ली होगी आप लोगों ने। पतिदेव देख रहे हैं मुझे खाना बनाते हुए, और उसमें भी तवे में भी पता नहीं क्या लग गया, अब इसे भी दोबारा वॉश करना पड़ेगा। तो गाइज मैंने मसाला वगैरह डाल के सब्जी बनने का, गाइज जी बन गई है सब्जी, बीन्स की जैसी लग रही मुझे तो इसकी सब्जी। थैंक यू सो मच यहाँ पे तक वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं कल के व्लॉग में, बाय बाय।